हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। जापान तकनीकी मामले में अग्रणी देश है। संसाधनों के लिहाज से काफ़ी प्रगति कर चुके हैं। जापान में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस देश में नागोरो नाम का एक ऐसा गांव है जो वीरान हो चुका है। आज हम आपको इसी अजीबोगरीब गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ चलता है पुतलों का राज। बताया जाता है कि इस गांव में पिछले 18 साल में कोई भी बच्चा नहीं जन्मा। वजह है यहाँ युवाओं की जनसंख्या का करीब करीब खत्म हो जाना। इस गांव में पहले लगभग 300 निवासी थे, लेकिन जापान की जनसंख्या में गिरावट के कारण जनवरी 2015 तक ये घटकर 35, अगस्त 2016 तक 30 और सितंबर 2019 तक 27 हो गई। इस गांव के गली मोहल्ले से लेकर स्कूल तक में बच्चों की जगह पुतले बैठी हुई है। इन पुतलों को बनाने का काम किया है अयानो सुकिमी नाम की महिला ने। वो खुद भी नागोरो की रहने वाली है। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के कपड़े पहनाकर एक पुतला बनाया था, लेकिन ये उन्होंने सिर्फ शौक के लिए बनाया था। गांव को पुतलों से भरने की पहले तो उनकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने शौक को अपना मिशन बना लिया। अब गांव में इंसानों से ज्यादा तो पुतले ही दिखाई देते हैं। जापानी भाषा में ऐसे पुतलों को बीजुका कहते हैं। नागोरो में अब बीजुका का ही राज चलता है। जब ये गांव आबाद था तो यह एक स्कूल भी था। जब बच्चे ही नहीं रहे तो स्कूल भी बंद कर दिया गया। हालांकि लोगों को ये कमी ना खोले, इसके लिए यहाँ भी बच्चों की जगह पुतले बिठाए गए हैं। टीचर की जगह भी बीजू का मौजूद है। अयानो सुकिमी ने लकड़ी, अखबार और कपड़ों का इस्तेमाल करके बीजू का बनाई है और उन्हें इंसानों की तरह कपड़े पहनाकर प्रॉपर ह्यूमन टचअप दिया है। जर्मन फिल्म मेकर फ्रिट्ज शुमन ने साल 2014 में इस गांव को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। इसी के बाद इसे पुतलों का गांव कहा जाने लगा। ये गांव अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।